आज मैं आपके सामने एक टॉपिक ला रहा हूँ, वो है थर्मिट वेल्डिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस में मैं क्या कहूँगा, जे कैसे वेल्डिंग होता है, ये प्रोसेस में कैसे वेल्डिंग को सेटिंग किया जाता है, कैसे वेल्डिंग होता है, ये प्रोसेस जो अलग तरह का जो वेल्डिंग है इससे थोड़ा कैसे डिफरेंट है उसके बारे में बताऊँ। देखो आर्क जो वेल्डिंग जो होता है, उस जो प्रोसेस होता है, एक होता है आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, एक होता है गैस वेल्डिंग प्रोसेस। ये जो वेल्डिंग है ये दोनों से थोड़ा डिफरेंस है। मतलब ये एक है थर्मोकेमिकल, ये है थर्मोकेमिकल प्रोसेस। ये जो थर्मिट वेल्डिंग प्रोसेस है ये थर्मोकेमिकल प्रोसेस है। इसको भी अलग एक नाम पे जाना जाता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी कहा जाता है। मतलब थर्मिक मतलब क्या है, यहाँ हीट प्रोड्यूस होता है। एक्सोथर्मिक मतलब क्या होता है, यहाँ हीट प्रोड्यूस होता है। किसके सहायता से, ये थर्मिट एक थर्मिट मिक्सर रहता है, थर्मीमीटर मिक्सर के सहायता से यहाँ क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ मैं थोड़ा लिखता हूँ आपके सामने, ये थर्मोकेमिकल प्रोसेस जो है, मैं और एक बता देता हूँ, केमिकल प्रोसेस दोनों तरह के होते हैं, एक एंडोथर्मिक होता है लेकिन ये एक्सोथर्मिक, मतलब यहाँ हीट प्रोड्यूस होता है। जब जो केमिकल रिएक्शन में हीट का माने मतलब क्या है नीड होता है तब इसको एंडोथर्मिक कहते हैं, यहाँ जो हीट प्रोड्यूस होता है इसलिए इसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो ये थोड़ा जानकारी दे दूँ कि ये जो थर्मिट वेल्डिंग प्रोसेस में कितना हीट प्रोड्यूस होता है, ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड और यानी 5000 फारेनहाइट, इतना हीट यहाँ जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट क्रिएट होगा। तो ये हीट क्या होता है, मेटल को फ्यूज करता है। जो मेटल है इसको क्या करता है, वो फ्यूज करता है। तो ये फ्यूजन वेल्डिंग है, तो फ्यूज होता है इसलिए इसको फ्यूजन वेल्डिंग कहता है। कभी कभी जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, थर्मिट वेल्डिंग इज ए फ्यूजन वेल्डिंग और प्रेशर वेल्डिंग, तो आपको यहाँ लिखना होगा कि फ्यूजन वेल्डिंग है। थोड़ा ये जो थर्मिट है, ये थर्मिट के बारे में आपको जानकारी दे दूँ, ये थर्मिट क्या है, एक मिक्सर, ये थर्मिट एक मिक्सर है। ये थर्मिट मिक्सर से क्या होता है, थर्मिट वेल्डिंग होता है। थर्मिट वेल्डिंग में क्या है, क्या क्या जो उपादान होता है, एक होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सेकेंड आयरन ऑक्साइड। देखो इसका जो मात्रा का होता है, क्या होता है, ये एल्यूमिनियम होता है 5 पार्ट, ये होता है 3 पार्ट। मतलब जो हिस्सा है जब बनता है, जो थर्मिट मिक्स बनाया जाता है, तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड का कितना हिस्सा रहता है ना, 5 पार्ट रहता है, और आयरन ऑक्साइड का 3 पार्ट रहता है। मतलब ये होता है, इसको हम क्या करेंगे, एक प्रोसेस से इसको हम करेंगे क्या ना, इसको हम हीट करेंगे। पहले इनिशियली हीट देंगे, किसके हिस्सा, किसके जरिए, वो होता है बेरियम पेरोक्साइड। बेरियम पेरोक्साइड जो होता है उसको थोड़ा इनिशियली हीट दे देता है, तभी वो क्या होता है, वहाँ रिएक्शन शुरू होता है। तो बेरियम पेरोक्साइड को यहाँ क्या होता है, उसको जलाने के लिए क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन का जरूरत होता है, एक मैग्नीशियम रिबन का जरूरत होता है। तो मैग्नीशियम रिबन से हम बेरियम पेरोक्साइड को जलाएंगे। बेरियम पेरोक्साइड जब एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड को जब केमिकल रिएक्शन करेगा तो भी ये हीट क्रिएट करेगा। वो हीट का मात्रा में बता चुका हूँ, तब वो क्या होगा, मेटल को ऊपरा मोल्ड हो जाएगा। पहले क्या होगा, ये जो जब जितना हिस्सा है ये क्या होगा, पहले जब हीट हो जाएंगे तब क्या होगा,
मल्टन हो जाएगा, मतलब मल्टन जब हो जाएगा तब तो क्या होगा, ये एक फिलर मेटल के हिसाब से, फिलर मेटल के हिसाब से ये काम करेगा, तभी क्या हुआ मेटल को वो जॉइंट करेगा। थोड़ा देखो ये जो आपको थोड़ा समझाया, इसको मैं पहले से एक फिगर करके रखा हूँ, क्योंकि टाइम मुझे कम है तो ये फिगर मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये एक ट्रिबल है, ट्रिबल का मतलब इसके अंदर एक थर्मिट मिक्सर रहता है, मतलब क्या है आयरन ऑक्साइड रहता है, ये जो हिस्सा आपका हमें ये सब है, ये आयरन ऑक्साइड और आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसमें रहता है, और थोड़ा बेरियम परऑक्साइड इसका ऊपर जो है, ये जो हिस्सा है आपका मैं ले रहा हूँ यहाँ लिख रहा हूँ, ये है बेरियम परऑक्साइड, ऊपर में बेरियम परऑक्साइड रखता है, ये जो हिस्सा है मैग्नीशियम रिबन में मैं लिख के रखा हूँ आपके सामने, मैग्नीशियम रिबन है, ये जो हिस्सा थर्मिट मिक्सर है, ये क्रिबल है, क्रिबल मतलब ये एक सिस्टम होता है जो यहाँ रिएक्शन जब होता है ये बाहर नहीं आ पाएगा, और ये क्या है ये थर्मिट मिक्सर में लिख कर रखा हूँ, यह है एक टैपिंग पिन, जब यहाँ एक मैग्नीशियम रिबन को हम जलाएंगे, ये जो पहले इसको शुरू करने के लिए हम क्या है मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे, उसके बाद ये रिएक्शन शुरू होगा। तो ये सेकंड स्टेप है, पहले स्टेप ये है, फर्स्ट स्टेप मैं इसको लिख रहा हूँ आपके सामने। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जब देखो एक चीज़ को वेल्डिंग करना होता है, थोड़ा थोड़ा जानकारी दे दो इधर, ये जो हिस्सा एक रेल का वेल्डिंग हो रहा है, एक रेल का यह वेल्डिंग हो रहा है, तो ये जो वेल्डिंग प्रोसेस है इसमें रेल और मोटा पाइप और जैसे वोबल्स जितना सब होता है, चैनल बड़ा बड़ा चैनल सब होता है, इस प्रोसेस में होल्डिंग होता है। और भी ये प्रोसेस किस में यूज होता है, जो इलेक्ट्रिकल जो वायर को कनेक्शन करता है, इलेक्ट्रिकल को जो वायर को सब जॉइंट करते हैं, ये हिस्सा में लगता है। मैं दूसरा स्टेप में आपको दिखाऊंगा ये कैसा कैसा थर्मिट सब है। देखो ये प्रोसेस में क्या होता है, तो पहला जो है एक रेल होल्डिंग हो रहा है, ये जो हिस्सा एक रेल है, तो इसको होल्डिंग करने के लिए क्या होगा, पहले इसको एक मोल्ड में रखा होगा। देखो ये एक मोल्ड का चित्र में बना के आपके सामने रखा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, ये एक मोल्ड है, मतलब क्या है, पहले जब ये हिस्सा को वेल्डिंग करना होगा तो ये जो हिस्सा जो छोटा सा हिस्सा है, इस हिस्सा में हम क्या करेंगे, थोड़ा वैक्स लगा देंगे। पहले देखो ये क्या है ना, वैक्स, वैक्स का मतलब आपको पता ही होगा, वैक्स का मतलब महम होता है, मतलब जो मोमबत्ती में लगता है वो वैक्स को हम इसमें लगा देंगे, तब क्या होगा, ये जो हिस्सा है, ये जो था हिस्सा वेल्डिंग का हिस्सा, इसमें क्या हुआ कि मोम पूरा लग गया, लेकिन ये हिस्सा जो थोड़ा गैप करके रखा हुआ है, ये जो गैप कितना है, ये भी थोड़ा आपको क्वेश्चन में आ जाता है, ये 1.6 mm से लेकर 6 mm तक रखा जाता है, मतलब मेटल के हिसाब से इसको इतना ही गैप रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, आपको पता है जब ये जब हीट होता है तब क्या होगा, आपस में टक्कर ले लेगा, मतलब जब नहीं छोड़ेंगे तब क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्शन से ये मेटल को ख़राब कर सकता है, मतलब मोल्ड को भी तोड़ सकता है, क्योंकि मोल्ड नहीं होने से ये मोल्टर मेटल यहाँ कैसा है कि रुकेगा। तो क्या होगा, यहाँ जब हम वैक्स लगा देंगे, वैक्स लगाने के बाद यह क्या करेंगे, एक सेंड का ऊपर उसका एक सेंड मतलब बालू का एक स्तर दे देंगे, बालू का स्तर देने के बाद ये पूरा मोल्ड बना हो जाएगा। तभी क्या होगा, जब ये मोल्ड बनाएंगे, थोड़ा यह देखो मैं चित्र करके रखा हूँ, फिगर बनकर रखा हूँ, यह एक गेट है, गेट मतलब यह एक रास्ता है, ये रास्ते में हम क्या करेंगे, इसका नाम है मैं लिखा हूँ यह कहे नहीं, ये लिख लूँगा यार, ये फ्री हीटिंग होल है, ये फ्री हीटिंग होल है, मतलब ये जो हिस्सा पहले क्या करेंगे, यहाँ हम हीट देंगे, मतलब ऑक्सीसिटिलीन फ्लेम से यहाँ हीट करेंगे, हीट करने से क्या होगा, ये जो हिस्सा है गर्म होगा, और यहाँ जो जितना वैक्स है वो वैक्स क्या हो जाएगा, मिट जाएगा, मिट जाने के बाद क्या होगा, ये जब पूरा रेड हॉट कंडीशन में आ जाएगा तभी हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप यहाँ शुरू करें, ये है सेकंड स्टेप। तो पहला स्टेप में हम प्री हीटिंग करेंगे, प्री हीटिंग करने से क्या होता है, थोड़ा मेटल भी क्लीनिंग हो जाता है, और क्या होता है, उससे पहले भी हम क्लीनिंग कर चुके होते, जो सैंड ब्लास्ट करके भी क्लीनिंग कर लिए होते, तो तभी क्या होता है, सेकंड स्टेप में हम जाके क्या करेंगे, द क्रिबिल में जो हमारा जो है क्या थर्मिट मिक्सर हमको रिएक्शन में लाना होगा, मतलब केमिकल रिएक्शन यहाँ शुरू करेंगे। तब क्या होगा, ये मैग्नेटिक रिबन जो है उसमें हम आग लगाएंगे, एक रोड के माध्यम से हो सकता है, नहीं तो कोई भी एक चीज़ हम इस्तेमाल करके या गोंद के सहायता से इसको हम आग
लगाएंगे, तब क्या होगा, आग यहाँ से होके आके बेरियम परऑक्साइड, जो इधर मैं लिखा हूँ बेरियम परऑक्साइड को, वो पहले जलाएगा, जलाने से बाद क्या होगा, यहाँ एक रिएक्शन क्रिएट होगा। जब रिएक्शन यहाँ क्रिएट होगा, ये क्या होगा, यहाँ मोल्टन मेटल शुरू हो जाएगा, पूरा मेटल मोल्टन स्टेज में आ जाएगा। तो इतना टाइम जो ये मोल्टन बनेगा, इसके लिए कितना टाइम लगेगा, ये भी आपके सामने को क्वेश्चन आता है। ये आएगा 25 से 30 सेकेंड क्वेश्चन आता है। जो एक मोल्टन मतलब ये थर्मिट वेल्डिंग, जब थर्मिट बनता है तो कितना टाइम लगेगा, तो थर्मिट वेल्डिंग करने के लिए कितना टाइम लगेगा ना, 25 से 30 सेकेंड में ये जो रिएक्शन खत्म हो जाता है। तभी आपको जो भी 20 से 30 सेकंड कंप्लीट हो जाते हैं, यहाँ मैं लग के रखा हूँ एक टैपिंग पिन, देखिए टैपिंग पिन, टैपिंग पिन क्या होता है, इसको निकाल दिया जाता है, उसका भी थोड़ा मैकेनिज्म यहाँ भी रहता है, मैं थोड़ा टाइम के हिसाब से बता नहीं सकता हूँ, जब आप ख्वाहिश रखेंगे तो मैं इसका और भी बनाऊंगा एक वीडियो। तब क्या होता है, ये टैपिंग पिन जब निकल दिया जाता है, तो यहाँ से जब मोल्टन मेटल क्या है, ये इसका अंदर घुसता है, इसका अंदर घुसता है, तब यहाँ के जो मोल्टन मेटल क्या है, मैं अभी फिगर से इधर ले आ रहा हूँ, यहाँ तक पहुँच जाता है। तब क्या होता है, ये तो पहले से हीट है कर रहा है, वहाँ से वैक्स निकल गया है, तब क्या होगा, यहाँ एक वेल्ड जोन क्रिएट होगा और यहाँ जो मेटल है होल्डिंग हो जाएगा। दूसरा बात, यहाँ जब थोड़ा एक गेट रखा गया है, यहाँ एक गेट है, उसमें क्या होगा, जितना जो ज़्यादा बचा हुआ मोल्टन मेटल यहाँ से निकलेगा, वो मोल्टन मेटल और स्लैग के हिसाब से ये निकल जाएगा। ये क्या है, स्लैग है, इस स्लैग कैसे बनता है, थोड़ा एग्जाम में आ जाता है। देखो ये है आयरन ऑक्साइड, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ये है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड में एक चीज रहता है, यह है ऑक्सीजन रहता है, इसमें कंपाउंड में ऑक्सीजन रहता है, और है क्या है, एल्यूमिनियम। थर्मल मिक्सर में जो एल्यूमिनियम रहता है वो ऑक्सीजन के साथ इसके साथ मिल जाता है, प्लस हो जाता है, तभी क्या होता है, ये जो स्लैग बनता है वो स्लैग को क्या कहा जाता है, एल्यूमिनियम, इसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहा जाता है। मतलब ये जो स्लैग बनता है इसका नाम होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इस स्लैग के हिसाब से यहाँ से निकल जाता है। तभी क्या होता है, और एक क्वेश्चन आपको मैं बोल देता हूँ कि कोई क्वेश्चन भी आपके सामने आएगा, यहाँ जब 1 kg मतलब यहाँ जो वैक्स हम लगाएंगे और थर्मिट मिक्सर में एक रिलेशन है, जब आप एक 1 kg वैक्स यूज कर रहे हैं तो यहाँ 12 से 14 kg थर्मिट मिक्सर बना मतलब रखना चाहिए। तो 1 kg जब वैक्स रख रहे हो तो थर्मिट कितना रहेगा, 12 से 14 kg इतना ही रहेगा। एक क्वेश्चन यहाँ लूट कर लीजिए, एक क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, एक सवाल आता है, तो इसके हिसाब से मतलब एक फॉर्मूला है कि 1 kg वैक्स के लिए हम क्या करेंगे, 12 से 14 kg थर्मिट मिक्सर यहाँ रखेंगे। ये तो आया आपका प्रोसेस, जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब क्या होगा, 1 घंटा मतलब 12 घंटा तक इसको छोड़ दिया जाता है ठंडा होने के लिए। तब ठंडा होने के बाद क्या होता है, ये देखो आपके सामने मैं पूरा ओमिट कर लिया, ये चीज़ आप होल्डिंग हो चुका है। अब क्या होगा, आफ्टर 12 आवर इसको क्या करेंगे, हम इसको ग्राइंडिंग करके अपने जितना भी मनचाहा स्थिति मतलब शेप चाहते हैं तो उतना शेप आप दे देंगे। अभी ये आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो थर्मिट मिक्सर है, ये बहुत सी थर्मिट मिक्सर है, ये क्या क्या थर्मिट मिक्सर है इसको आपको सामने में लिख रहा हूँ, सब इतनी ये जो सब वेल्डिंग है ये एडवांस वेल्डिंग प्रोसेस है भैया। जब आप बाहर जाएंगे कहीं, ये तो रेलवे में ज़्यादातर यूज होता है, तो आप जब आउटसाइड कंट्री जा रहे हो तो ये सब वेल्डिंग आपको सामने की करने के लिए कोई इसी के बारे में भी पूछा जाएगा, तब आप इसको बताएंगे। देखो ये जो थर्मिट मिक्सर है, ये क्या क्या थर्मिट मिक्सर है, एक है प्लेन थर्मिट, सेकेंड MS थर्मिट, थर्ड कास्ट आयरन थर्मिट, फोर्थ स्टील
मिल वेवल थर्मिट 5 रेल थर्मिट 6 इलेक्ट्रिक थर्मिट। ये जो थर्मिट मिक्सर है ये बहुत सी मतलब मिक्सर में आता है, आपको ये सब को जानकारी रखना चाहिए। देखो प्लेन थर्मिट जो है वो है, मैं आप संक्षिप्त में लिख रहा हूँ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो प्लेन थर्मिट होता है, मैं समझा दिया हूँ, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड से बना होता है, इसे प्लेन थर्मिट कहा जाता है। जो MS थर्मिट है, देखो इसको क्या बोलते हैं, ये है प्लेन थर्मिट, इसको मैं P लिख रहा हूँ। तब जब MS थर्मिट हम बनाना चाहेंगे तब क्या करेंगे, तो एक प्लेन थर्मिट लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, प्लस MS पंच, थोड़ा MS पंच का यूज कर लेंगे, तो हमारा क्या होगा, ये थर्मिट पंच मतलब थर्मिट मिक्सर बन जाएगा। तो कास्ट आयरन के लिए वो सही, एक प्लेन थर्मिट प्लस क्या कर लेंगे, फेरो सिलिकॉन का इस्तेमाल करेंगे, किसके लिए, कास्ट आयरन थर्मिट के लिए। अभी देखो MS ओबल, इसमें क्या करेंगे, वही प्लेन थर्मिट प्लस कार्बन और मंगानीज, देख रहा होगा आपको, कार्बन और मंगानीज का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया स्टील ओवल। स्टील ओवल में मतलब क्या है, जब बहुत हार्ड मेटल ये होता है इसके लिए ये यूज होता है। तो रेलवे में वैसे ही थोड़ा हार्ड मेटल यूज होता है, मतलब हाई कार्बन स्टील होता है यूज होता है, तभी इसमें भी जब हम वेल्डिंग करेंगे तो थर्मिट का यूज करेंगे, उसमें भी क्या होता है, वही प्लेन प्लस कार्बन प्लस मंगानीज, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्लस मंगानीज यहाँ यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल थर्मिट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ क्वेश्चन ज़्यादातर यहाँ क्वेश्चन ये इलेक्ट्रिक थर्मिट में पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जब आप यूज करेंगे, ये कॉपर ऑक्साइड प्लस कॉपर ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये कॉपर ऑक्साइड है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक मिक्स होता है। तो ये जो आपको समझाया, ये जो बारे में जो दूसरा वीडियो बनेगा, तो ये जो प्लेन थर्मिट, MS थर्मिट, कास्ट आयरन थर्मिट, स्टील थर्मिट, रेल थर्मिट और इलेक्ट्रिक थर्मिट कैसा यूज होता है उसके बारे में समझाऊंगा। तो लेकिन यहाँ थोड़ा समझा देता हूँ, जो इलेक्ट्रिक थर्मिट क्या होता है, जितना इलेक्ट्रिकल वायर सब जब ज्वाइंट होता है तो इसमें इलेक्ट्रिक थर्मिट ही हम यूज करेंगे। जो ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल वर्क में ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक थर्मिट यूज होता है। अब जो रेल थर्मिट है ये भी क्वेश्चन आ जाता है, तो रेलवे में जब रेल ट्रैक यूज किया जाता है तब क्या होता है, तो आप क्या कौन सा थर्मिट यूज करेंगे, तो रेल थर्मिट ही यूज करेंगे। और क्वेश्चन आता है ये रिएक्शन लेने कितना टाइम लगेगा, 25 से 30 सेकंड लगेगा। जब ये मिक्सर में क्या क्या रहेगा, क्या क्या मिक्सर रहता है, एक वो तो बता चुका हूँ, उसको भी याद रखना चाहिए। अभी मैं थोड़ा आपको ये बताऊंगा, थोड़ा याद रख लीजिए। ये जो थर्मिट प्रोसेस है ये दो तरफ की होता है, मतलब दोनों किस्म का होता है। एक होता है प्रेशर थर्मिट, और एक होता है फ्यूजन। ये जो आपको समझा दिया, पहले से समझा दिया, ये था फ्यूजन थर्मिट का, मतलब यह मेटल जो क्या होता है पूरा फ्यूज होता है। मतलब यहाँ मैं एक ड्राइंग से समझा रहा हूँ, ये जो मेटल आप वेल्डिंग होगा यह मतलब फ्यूज हो जाएगा, मेटल को आप फ्यूजन करेंगे, फ्यूजन करके ही जो वेल्डिंग होता है तो इसको हम फ्यूजन थर्मिट कहेंगे। लेकिन ये जो प्रेशर थर्मिट में क्या होता है, जब मोटा पाइप मतलब थिक पाइप जो होता है, थिक पाइप को आप ज्वाइंट करना होता है, तो उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा जब थर्मिट बन जाता है तभी क्या होता है कि जब मोल्टन मेटल यहाँ तक आ जाता है तब क्या
क्या करना पड़ता है अभी, इसको थोड़ा प्रेशर देना होता है, मतलब ये दोनों तरफ से ये प्रेशर दिया जाता है, यहाँ पाइप को थोड़ा प्रेशर देने से, मतलब प्रेशर देने से ये वेल्डिंग हो जाता है। इतने आज के लिए इतना ही, और दूसरा जो वीडियो बनेगा आप जितना भी ख्वाहिश रखेंगे मैं ऐसा ही बनाते जाऊँगा, आप मेरा हौसला है कि हमारे चैनल का हौसला है। तो आज के लिए इतना है, जय हिंद जय भारत।